नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपॉइंटमेंट। मैं हूं प्रांजल शर्मा। आज मेरे साथ बातचीत के लिए साथ हैं श्री नरेंद्र बंसल, जो फाउंडर और चेयरमैन हैं इंटेक्स के। नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद, स्वागत आपका भी। आपकी सफलता से काफ़ी लोग अचंभित हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंटेक्स एक ब्रांड के रूप में सामने आया है और बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियाँ हैं उनको भी आपने काफ़ी हद तक टक्कर दी है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत मैं करना चाहता हूँ आपकी अपनी कहानी से। आपने अपना कारोबार कब शुरू किया और कैसी परिस्थिति थी जब आपने सोचा कि आप इंटेक्स और मोबाइल की दुनिया में कदम रखेंगे? मैं तो एक ठेठ देसी आदमी हूँ, प्योर भारतीय जिसे कहते हैं, और भारत से मुझे बहुत लगाव है। और इंटेक्स को इस्टेब्लिश करने, आज सब लोग इंटेक्स देख रहे हैं, लेकिन जो जीवन है, मैंने अपना जीवन एक राजस्थान के गाँव तहसील भादरा से शुरू किया था। परिवार में किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में उसमें खैर वैसे नहीं पता था। और 1980 में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे, तो मैं तो स्कूल के टाइम 1980 में, मैंने कॉलेज पास किया 1986 में। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त से ही मुझे किसी न किसी कारण से अपना व्यापार करना और नई नई चीज़ें करने का शौक़ था। वही मुझे इस व्यापार की तरफ लेके गई। शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो, उस वक्त ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स, हाँ, हाँ, ये आई थी। हाँ, उस समय काफ़ी एक नया उसमें घुमा चढ़ा था, कि क्योंकि वीडियो पिक्चर करेक्ट VCR वगैरह पे देखी जाती थी। और ऑडियो कैसेट भी डोमेस्टिक ब्रांड्स आए थे काफ़ी सारे, 2-in-1 काफ़ी बिकते थे। तो वो दौर था जब मैंने देखा कि मेरे यार दोस्त जो है स्कूल में, कॉलेज में, वो भी ये खरीदते रहते हैं, किराए पर लेते रहते हैं। तो मेरे को एक शुरू से भगवान की देन है, नैक जिसे कहते हैं, कि मेरे को अपॉर्चुनिटी, डिमांड और सप्लाई का गैप बड़ा आसानी से दिख जाता है कि कहाँ पर डिमांड है और सप्लाई कहाँ पर है। तो उस वक्त मैंने ये ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट सप्लायर ढूंढ के इधर उधर से और उनको देना शुरू किया था। मैंने एक वक्त था जब मैंने, तो आपने दिल्ली में ही कारोबार? जी, दिल्ली में शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम थी ना तो पैसा था ना अनुभव था, और अकेला मैं था। तो मेरे पिताजी का अनाज का बिजनेस था, उनको इस बारे में कोई मतलब नहीं था। हाँ, उनका ये जरूर था भी आप जो मर्जी करो, बट उनका कोई सलाह मशवरा या ऐसा मेरा साथ अनफॉर्चुनेटली सहयोग उस वक्त नहीं रहा। तो मैंने, और पैसे में कारोबार भी नया था, क्योंकि उनकी जो उनका जो समय था, उनका जो कारोबार था, बहुत अलग था। बिल्कुल, अनाज का जो बिजनेस सोच ही अलग है, और टेक्नोलॉजी जो उस समय नई थी वो तो बहुत ही नए उसके आयाम थे। और उस टाइम आप देखें, इंडिया आज जैसा है उस टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्लोज इकोनॉमी थी, आज तो लिबरलाइज हो गया, हर चीज़ मिल रही है, कस्टमर किंग है यहाँ पे। उस वक्त तो ऐसा था नहीं बिल्कुल भी। तो उसी वक्त मैं फिर पैसों की भी, मैं फैमिली से इतना नहीं लेना चाहता था, शुरू से ये था कि अपने आप ही करना है मेरे को। तो मैंने यहाँ तक किया कि जो उस टाइम आपको ध्यान हो, वायरलेस जो कॉर्डलेस फ़ोन कहते हैं, वो रिपेयर भी करवाए हैं मैंने, उसका भी व्यापार किया था, कॉर्डलेस फ़ोन खरीदे। एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिरला मंदिर के अंदर जो टूरिस्ट आते थे उनकी फोटोग्राफ भी ली हुई है। अच्छा, यहाँ तक ये काम किया हुआ है। तो मैंने ये अलग अलग किस्म से काम किए। फिर उस वक्त आपको शायद ध्यान हो तो IT भी नया नया चला था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके जो प्रोडक्ट्स कंप्यूटर आने ही शुरू हुए थे। हाँ, क्योंकि उन्हीं दिनों सरकार ने कहा था कि कई दफ्तरों में कंप्यूटर लगेंगे, और एक दौर चला सा था व्यापारियों के अंदर भी कि भी हमें कंप्यूटराइज करना है, इससे हमारे अकाउंट सही हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग बैंकों ने भी किया था, व्यापारियों ने भी, किसी ने अकाउंट्स के लिए किया था, या जो डिज़ाइन स्टूडियो होते थे कंप्यूटर का भी मैंने असेंबल करने शुरू किया। उस टाइम असेंबल का मार्केट होता, ब्रांडेड महंगे भी बहुत होते थे, ज़्यादा कुछ चलते नहीं थे, तो हमने कंप्यूटर असेंबल करना शुरू किया। और इस तरह फिर उसी दरमियान एक, आजकल तो रैम्स आ गई या CD-ROMs आ गई, DVD। लेकिन आपकी रुचि हमेशा नई टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे रही? मेरा ये कुदरती है शुरू से ही। मैं आज भी इस वक्त भी हर रोज़ ये सोचता हूँ भी, आज मोबाइल फ़ोन तो कर लिया, कल क्या? कोई भी एक चीज़ मुझे सेटिस्फाई नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, पानी को बहना ही होता है, नदी का जो स्वभाव है उसको बहते रहना है। ऐसे ही मुझे लगता है कि इंसान का स्वभाव है, मेरा स्वभाव ऐसा है कि बहते रहना, आगे बढ़ते रहना है। अगर मैं जिस दिन यहाँ रुक गया तो उस दिन लगता है कि भी अपना जीवन में कुछ, लेकिन आगे बढ़ने में जोखिम भी होता है। आपको ये नहीं लगा कि आप ऐसे नए इलाकों में कदम रख रहे हैं, नए कारोबार में कदम रख रहे हैं, जिस पर किसी को तजुर्बा नहीं है, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई आपको, जैसे आप बता रहे थे, सलाह देने वाला भी नहीं है, तो उससे आपको डर नहीं लगा? डर थोड़ा सा रहता है, लेकिन जब आपको व्यापार के अंदर आगे बढ़ना है, एक जुनून होता है ना, जब जुनून होता है तो डर जो है पीछे छूट जाता है। लेकिन एक तरफ तो मैं ये बात करूं, लेकिन मेरा एक स्वभाव और है कि मैं हमेशा बहुत ही जुडिशियस डिसीजन लेता हूं।
प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल, बहुत एग्रेसिव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ में सारे दाव सब चीज़ दाव पे लगा दी, जिससे मैं कहता हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क, संभल के चलते हैं, संभल के चलना। और इसी वक्त इसी कारण आज भी इंटेक्स जो है जीरो डेट कंपनी है, एक पैसे का हमारे पास लोन नहीं है किसी का भी। तो इंटेक्स की शुरुआत कैसे हुई, मोबाइल के कारोबार में आपने कदम रखने के बारे में कब सोचा? सी इंटेक्स बनी 1996 में, तब हमने शुरुआत करी। मैंने जैसे बताया कि डिमांड सप्लाई का गैप, कॉर्डलेस फोन्स की नहीं, वो तो पुरानी बात है, काफ़ी इंटेक्स से पहले की बात है। 1996 में जब कंपनी बनाई तो इंडिया के अंदर तभी मोबाइल शुरू हुए, नहीं नहीं मोबाइल तो काफ़ी लेट, हाँ मोबाइल तो खुले थे बट मार्केट तो अभी पिछले 7-8 सालों में ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, क्योंकि उस समय मोबाइल के लाइसेंसेस दिए जा रहे थे, दिए गए थे, तो वो एक दो मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट थे। हमने तो आईटी से शुरू किया, इंटेक्स ने जो अपना काम शुरू किया, कारोबार शुरू किया, वो आईटी प्रोडक्ट्स थे, जिससे सबसे पहले इथरनेट कार्ड्स थे, फिर मल्टीमीडिया स्पीकर्स आए, कैबिनेट्स आए, कीबोर्ड, ऐसे करके पेरिफेरल्स जिसको कहते हैं, जो मोबाइल, हाँ पेरिफेरल्स। इंटेक्स जो मोबाइल में एंटर करी है वो करी है 2007 में, अभी पिछले 7 साल पहले। और जो ग्रोथ हमारी हुई है पिछले 4 सालों में, इंटेक्स ने जो कामयाबी हासिल की है वो बेमिसाल है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आपके साथ साथ कई और लोगों ने मोबाइल के क्षेत्र में कदम रखा, आपकी सफलता तो एक नए स्तर पर आपको पहुंचा दिया, लेकिन 2007 से 2016 तक का सफर हम देखें तो आप सचमुच में आपने बहुत ही हवाई उड़ान ली है। तो आपको अब जब देखते हैं पिछले कुछ सालों में जो आपकी सफलता हुई है वो किस कारण हुई, आपको क्या लगता है कि क्या आपने कदम उठाए, क्या आपने निर्णय लिए जिसकी वजह से मोबाइल में आपका इतना बड़ा ब्रांड स्थापित हो पाया? एक कहा जाता है कि एक कंपनी जो होती है उसके CEO या MD की परछाई होती है ना। तो इंटेक्स में अगर मैं MD हूँ या मैं चेयरमैन हूँ तो ये मान के चलिए कि इंटेक्स मेरी परछाई है, और मेरा स्वभाव थोड़ा सा बोलना कम और डिलीवर ज़्यादा करना है ना, जिसे कहते हैं अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी, वो मैकेनिज्म था। तो इस चक्कर में हम जो पिछले 10-12 साल इंटेक्स ने थोड़ी स्लो चली, लेकिन 2007 में जो मोबाइल आया, मोबाइल पूरा कंज्यूमर इंटरफेस वाला प्रोडक्ट है, जब IT में थे वो B2B बिजनेस मॉडल था। इसके अंदर अगर आप कंज्यूमर से एंगेज नहीं करते हो, कंज्यूमर से बात नहीं करते हो, अगर अपनी चीज़ नहीं बता पाते हो तो आप ग्रो नहीं कर सकते। जिस दिन हमने ये रियलाइज़ किया कि मोबाइल जो प्रोडक्ट है हमारा, ये आपको कंज्यूमर से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, ब्रांड को भी और प्रोडक्ट को भी, तब हमने हमारी कंपनी का DNA बदला। इंटेक्स सडनली ये होगी कि हमें कंज्यूमर पे ही ध्यान देना, कंज्यूमर जिसके ट्रू सेंस में कहते हैं हम कंज्यूमर इज़ द किंग, वो रियलाइज़ किया। तो हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जिसमें कंज्यूमर को फ़ायदा हो, प्राइस मिले, टेक्नोलॉजी मिले, माल उसके घर के आसपास मिले, उसको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिले, जब प्रोडक्ट यूज़ करे तो उसको अच्छा लगे। ये सब जब हमने ध्यान में रखा कि भी प्राइस हमेशा कॉम्पिटिटिव रहो, टेक्नोलॉजी आप सबसे पहले लेके आओ, जब इंटेक्स ने इन सब चीज़ों का ध्यान दिया तो आज जिस मुकाम पर आप देख रहे हो इंटेक्स का, ये उसका नतीजा है। आपने बताया कि आपने मोबाइल की दुनिया में कदम रखा, कंज्यूमर प्रोडक्ट को बेचना, उसका ब्रांड बनाना, और साथ में जो विदेशी कंपनियां हैं जिनके पास अरबों का पैसा है, पैसा, उनके साथ टक्कर लेना आसान नहीं था, लेकिन आपने ऐसे कौन से बाज़ार ढूंढे जिससे आपका अपना कारोबार बढ़ता चला गया, आपने क्या सोच थी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, हम जानते हैं जितने भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बड़ी है, उनका ज़्यादातर ध्यान उन लोगों की तरफ रहता है जिनके पॉकेट में पैसे ज़्यादा है ना, चाहे वो कोई भी MNC ले लें, और कंज्यूमर ड्यूरेबल की या मोबाइल की बात नहीं, किसी सेगमेंट में ले लें। जबकि इंटेक्स ने शुरू से ये ध्यान रखा, हमारा एक इंटेक्स का एक वो जो विज़न स्टेटमेंट है वो कहता है कि मेक इंटेक्स ए ग्लोबली रेस्पेक्टेड नेम, दूसरा इम्प्रूव लाइफ ऑफ पीपल। तो हमारा ट्रू मायने में जो विज़न है इंटेक्स का कि भी हम ऐसी चीज़ें लेके आए जो आम जनता तक पहुंच पाए। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल फीचर फ़ोन ले, हम आज स्मार्टफोन जितना मर्जी सस्ता कर दो आप, लेकिन गांवों के अंदर जो आदमी उसको यूज़ करता है वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है स्मार्टफोन, बहुत से कारण हो सकते हैं उसके। तो हमने फीचर फ़ोन गांव-गांव में पहुंचाया, आज हर जगह आप देखेंगे इंटेक्स का फ़ोन आपको दिखेगा। तो हमने स्ट्रेटेजी ये लगाई कि जो सही भारत है, एक्चुअल हिंदुस्तान है, जो गांव में है, या जिसको आजकल एक बड़ा ये चल रहा है भी Tier 2, Tier 3, Tier 4, जो 6 बड़े महानगर हैं उसके बाहर जो दुनिया है और जो देश है उस पर आपने, जहाँ की सही में भारत बसता है जी, वहाँ हमने उनको माल पहुंचाया। हमने यहाँ तक किया भी वहाँ, हमें पता कि क्योंकि हम भारतीय, हम समझते हैं
कि उनकी क्या हाथ में मिट्टी लगी रहती है उनके, तो हमें पता कि अगर फ़ोन को आपने मिट्टी से नहीं बचाया, ऐसा फ़ोन नहीं बनाया जो मिट्टी में भी चल जाए तो काम नहीं है। चार्जिंग का एक प्रॉब्लम होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, क्योंकि बिजली होती नहीं हर जगह, होती नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएट इतना करता है, अचानक 300 वोल्ट पे पहुंच जाएगा तो कभी सिर्फ 80 वोल्ट पे। तो हमने ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करी जो उनके साथ चल सके। और एक फिर मान लो खराब हो गया तो वो क्या करे, तो हमने ऐसा नेटवर्क बनाया सर्विस का कि उसके घर के पास जाके हम उसको सर्विस दे सके। इसलिए आज इंटेक्स तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, दो चीज़ें आपने की, एक तो जो आपने फ़ोन ऐसा बनाया जो आम आदमी है उसकी ज़रूरत से जुड़ा हो, उसका दाम भी उसी हिसाब से रखा हो, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि अगर उस तक पहुँचेगा नहीं तो बड़े शहर में बेचना आसान है लेकिन छोटे कस्बों में बेचना मुश्किल है, तो उसके लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी? देखो काम बड़ा मुश्किल है, एक तो ये होता है कि भी आप फॉर एग्जांपल कश्मीर में ले लें, बारामूला है, हमें पता है कि किस तरह का टेंशन रहता है वहाँ पर, कितना दूर है, उसके बावजूद भी हमने वहाँ माल पहुँचाया, फिर वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस देनी है, टाइम लग जाता है। तो अपने अरुणाचल प्रदेश में ले लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट है, या यूपी में ले लीजिए, अंदर गाँव के अंदर हम कहीं जाएँ, केरला रहा, महाराष्ट्र रहा, कहीं भी गांव में जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट उसका फल भी आज हमको मिल रहा है। आपने ये भी निर्णय किया कि फ़ोन को आप भारत में बनाएंगे, बिल्कुल, जबकि उसका आयात ज़्यादा आसान होता जी, तो ये क्यों निर्णय लिया आपने? इसके दो कारण हैं, एक तो हमेशा मैंने कहा कि मुझे भारत से बहुत प्यार है, और मैं मैन्युफैक्चरिंग, मुझे पता है कि बिना मैन्युफैक्चरिंग के या किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे वो इंटेक्स हो चाहे कोई अन्य ब्रांड हो, जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, जब तक वो प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं करेगा या इनोवेशन खुद नहीं करेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। बट इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर आपने कैसे इसको मैनेज किया? ये मैंने बताया आपको कि व्यापारी जो है स्वभाव से, जो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी तो होनी पड़ेगी, और अगर आप बिटन पाथ पे चलो, यानी जिस पे लोग चल चुके हैं उस पे चलो, तो ग्रोथ नहीं आ सकती, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल भी रही है, तो उस पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है, हर चीज़ पर रखने पड़ती है। आज तो मोबाइल हार्डवेयर की खाली बात नहीं है, उसका जो कंटेंट है वो एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक नया खेल आ गया, कि भाई आपने उसमें फिल्में फ्री में दिखा दी, आपने उसमें कोई हेल्थ के टिप्स दे दिए, आज गवर्नमेंट उस पर किसानों के लिए समाचार दे रही है, तो ये भी एक है, तो लेकिन उसका स्वाद भी है, आपको हमेशा, इसको इंग्लिश में कहते हैं भी आप, यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज, आपको कभी आराम से नहीं बैठने देगा। पर अभी ये बताइए, आपकी पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बढ़त हुई है, अभी आपका कारोबार किस स्तर पे है? किस स्तर पे है मतलब आपका जो आपकी जो आमदनी है, कंपनी की जो आमदनी है, लास्ट ईयर जो 31 मार्च 2016 को हमने करीब करीब 6500 करोड़ की सेल पे क्लोज किया, इसको रेवेन्यू जिसे कहते हैं हम लोग, और ये पिछले 4 सालों से हम लोग करीब करीब 80-90% CAGR कहते हैं, जिसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो हमने अचीव करी, तो मतलब हर पिछले 4 सालों में करीब करीब हर साल दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है, और हम ये कोशिश करेंगे और ऐसे उम्मीद रखते हैं कि इंटेक्स आगे भी ऐसे बढ़ते रहे, और हमारे भारत, मैं हमेशा कहता हूँ देखो, भारत है तो इंटेक्स है, और इंटेक्स है तो हम हैं। आप मोबाइल की दुनिया से आगे भी बढ़ रहे हैं, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में भी जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सोच है? सी हमने बताया, सोच सिर्फ एक ही है कि हर भारतीय के पास में, जो सिर्फ मेट्रो में भी है, मेट्रो में भी एक तबका या एक कैटेगरी ऐसी है जो MNC ब्रांड लेगी, क्योंकि उनको पैसों से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी से कोई मतलब, आप इसको एक इंडियन ब्रांड के तौर पर बिल्कुल, और गांव में और कस्बों में और छोटे शहरों में बेचना, और इसके बिल्कुल, और इसके बाद विदेशों में भी, हम भारत का जो तिरंगा है इंटेक्स के नाम से पूरे विश्व में फैलाएंगे, और लोगों को बताएंगे कि एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी आपको टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको MNC ही प्रोडक्ट लेना ज़रूरी है, आप कंपेयर करिए किसी भी चीज़ को। तो आप दाम कम कैसे रखते हैं, आप क्या कदम उठाते हैं जिससे आपको लगता है कि आप वही चीज़ सस्ते में और ज़्यादा टिकाऊ बना कर बेच पाएंगे? सबसे पहले आप दिल से काम करो, ठीक है, आप दिल से काम करोगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप, हमें पता है कि MNC को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, उनका जो लेवल है उनको ज़्यादा रखना पड़ता है, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, साइज़ कंपनी का इतना बड़ा हो चुका, अच्छा फिर विदेशों से आए हैं, विदेशी कल्चर, आप इंडिया में तो हम वैसे ही जुगाड़ जानते हैं, अपने यहाँ सब जगह जुगाड़ की टेक्नोलॉजी है, इवन जो ये बड़ी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, इनका मैं पढ़ा रहा था कहीं पर कि इनके CEO कहते हैं भी इंडिया में जितना इनोवेशन हो रहा है कॉस्ट के अंदर, वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा, ये यहाँ इनोवेट करते हैं और वर्ल्ड में फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक लोगों का मानना है, एक ये मानसिकता बन गई है, लोगों की सोच ये बन गई है कि जो
छोटे शहरों में जो सामान बिकता है उसकी क्वालिटी खराब होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है, हालांकि सस्ता होता है लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी सोच के खिलाफ आप क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों का रोल है, ब्रांड का भी है, सरकार का भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में कंज्यूमर अवेयरनेस ज़्यादा आई है। सरकार ने भी ऐसे नियम बनाए हैं, जो कंज्यूमर फोरम्स है, लोक अदालत है, या ग्राहकों की जो अदालतें हैं वहाँ पर केसेस जाते हैं, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। और ये जो वेट्स एंड मेजरमेंट वाले हैं, जो इनका महकमा है, उन्होंने भी काफ़ी एक्शन, हम तो देखते रहते हैं इसको। दूसरा कि जो ब्रांड है जिसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, वो जब लोगों के पास जाता है, मैं जब आपको बताऊं, इंटेक्स ने 96 में जब इथरनेट कार्ड शुरू किया था, लोग यही कहते थे कि तुम टेक्नोलॉजी के आदमी नहीं हो और एक मल्टीनेशनल को चैलेंज करने आए हो। उस वक्त भी यही बात हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको चीज़ में वैल्यू दिखे और फ़ायदा दिखे तो आप लीजिए। तो शुरू में लोगों ने नानुकुर करी, धीरे धीरे जब उन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ किया कि यार परफॉर्मेंस सेम है, प्राइस आधा है, सर्विस अच्छा देता है, जवान का पक्का है, तो ब्रांड को लेने शुरू कर दिए। तो इसी तरह गांवों के अंदर भी ये है, जब वो लेके जाते हैं, मैं अक्सर, मेरे साथ तो एक्से किससे होते रहे, मैं एक टेलर के पास गया था अपने कपड़े सिलवाने के लिए, तो टेलर बताने लग गया कि भाई मैं आपका स्पीकर यूज़ करता हूँ, जब भी आपका मोबाइल आएगा मैं आपका मोबाइल यूज़ करूँगा। गवर्नमेंट महकमों में कहीं भी जाते हैं, तो जब कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को देखता है, एक्सपीरियंस करता है, जुड़ जाता है। एक हिस्ट्री है इंटेक्स की, ये कल का ब्रांड नहीं है ना, मेरे कहने की बात ही नहीं है, किसी न किसी आदमी ने कोई इंटेक्स का प्रोडक्ट पिछले 20 सालों में यूज़ किया होगा। नरेंद्र जी, आपने अपनी कहानी बताई, एक पूरी तरह से घरेलू एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है लोगों के लिए, काफ़ी प्रेरणा देती है बाकी कारोबारियों को। लेकिन सरकार की तरफ से एक जो सहूलियत मिलनी चाहिए, जो आसानी मिलनी चाहिए कि और कारोबारियों को मौका मिले, जिससे नौकरी की अगर कमी है तो नौकरी बनाने वालों की भी बढ़त होनी चाहिए। आज के दौर में हम लोग कहाँ पर हैं? क्या जो पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं उससे हालात कितने बेहतर हुए हैं? आगे क्या किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक पिछले 2 सालों की बात हम करते हैं, तो देश का माहौल बढ़ा है, हम सब बढ़िया हुआ है, लोगों में विश्वास जगा कि कहीं ना कहीं कुछ होगा, कुछ उम्मीद है, पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं। मैं सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो मेरे ख्याल से में पिछले 8 महीनों में जो मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री है उसमें भी इंडिया में कम से कम 50,000 नए डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। इंटेक्स अकेले ने ही 4,000 डायरेक्ट जॉब्स दिए हैं, और उसमें मज़े की बात है, हमने सारे नए बच्चों को लिया है और उनको हिंदी में वीडियो बना के और उनको सिखाया हमने। लेकिन हमारी सरकार को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि कोई भी देश का समाज या व्यापार बिना सरकार की सपोर्ट के नहीं बढ़ सकता, और आज का ज़माना इतना कॉम्पिटिटिव है और हर देश एक से बढ़ के एक आगे जा रहा है, और चाइना का एग्जांपल तो हमारे सामने है। तो जब तक सरकार हमारे को खुले दिल से, मैं इंटेक्स की बात नहीं करता हूँ, देश के कारोबारियों को खुले दिल से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगी, उनको बेनिफिट्स नहीं देगी, कंपटीशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खाली पॉलिसी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। मैं जानता हूँ इस बात को कि भी आज व्यापारी और सरकार के बीच में बहुत सारी कारणों की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नया कदम उठाना पड़ा। आज की जो युवा पीढ़ी है जो आगे करके दिखाना चाहती है, एक तरफ ट्रस्ट डेफिसिट है, दूसरी तरफ हमारे पास एक यूथ पावर है, और इतने लाखों लोग रोज़गार के लिए बाज़ार में आ रहे हैं, लेकिन रोज़गार की जो कमी है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कारोबारियों के लिए भी और सरकार के लिए भी। हाँ, दोनों तरफ है एक्चुअली। एक तरफ ये प्रॉब्लम है कि व्यापारी को या सरकार को जिस तरह के लोग चाहिए वो नहीं मिल रहे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा क्योंकि वो स्किल सेट मैच नहीं करती। इसमें जैसे आपका, आपकी फैक्ट्रीज भी हैं, आप उत्पादन भी खुद कर रहे हैं, कई बात चल रही है कि अब सारा उत्पादन अगर मशीनें करेंगी तो लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको कैसे इसमें समन्वय बैठाएं? देखिए, आपने इंडिया का एग्जांपल, बड़ा लाइव एग्जांपल है, जब इंडिया में कंप्यूटर आए थे तब सभी लेबर यूनियंस ने, जनता ने ये उठाया, विरोध किया था, और आज देखिए काम बढ़ा है। ये जो मशीन है, मेरा मानना है ये इंसान को अलग करने के लिए नहीं है, ये इंसान की गुणवत्ता, उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए होती है। जो काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं उस मशीन की बदौलत शायद हम आधा घंटा में 10 मिनट में कर लें, जिससे हमारी कॉस्ट कम होती है,
जिसकी हमारी क्वालिटी स्टैंडर्डाइज होती है, जिसकी वजह से हम विदेशों के साथ या हर एक मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि भी मशीन आने से हमारे रोज़गार बढ़ेंगे। अभी तक हिस्ट्री ये कहते किसी भी देश के अंदर कि मशीनें जहाँ जहाँ आई हैं उस देश की तरक्की हुई है। तो हमें तो हमारे देश की जनता, हमारे मजदूर भाई या जो भी कर्मचारी हैं, जितना जल्दी ये समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। आखिरी कुछ क्षणों में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक बहुत नए और बड़े मुकाम पर इंटेक्स को ले आए हैं, अब आपका क्या विजन है, क्या आपका लक्ष्य है कि अगले 20 सालों में, 50 सालों में आप इंटेक्स को कहाँ देखना चाहते हैं? इंटेक्स का मैंने जैसे बताया कि हमने एक विज़न लिखा था आज से 16 साल पहले, जबकि इंटेक्स की तरक्की हमें नहीं पता था कि यहाँ इस मुकाम तक आएगी। उस टाइम विज़न हमने लिखा था कि टू मेक इंटेक्स ए ग्लोबली रेस्पेक्टेड नेम एंड इम्प्रूव लाइफ ऑफ पीपल। इसी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इंटेक्स को हम देखना चाहते हैं कि ये ब्रांड अगले 100 साल 200 साल विश्व में और भारत में खासकर जनता की कैसे सेवा कर सकता है, कैसे ये अलग अलग फील्ड में एज ए कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफाई कर सकता है, और कैसे ये बिना प्रोमोटर के साथ, बिना कैसे ये एक इंस्टीट्यूशन की तरह प्रोफेशनलाइज होके और चलता रहे, जैसे किसी देश की सरकार चलती है वो चलता है, यूनिवर्सिटी चलती है, वहाँ पे कौन चांसलर है, कब आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हमारा सोचा और इस दिशा में इंटेक्स खूब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नरेन जी, आपका हमारे इस शो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके इस लक्ष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।